वेलकम टू अचीवर्स, वी कैन अचीव एनीथिंग। और इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर मुगल काल। इससे पहले हम मुगल काल तक के सारे इतिहास के बारे में जान चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उनको देख लीजिए। और आप अपनी तैयारी को यदि और अच्छा करना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले पे जाकर हमारा ऐप अचीवर्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के कोर्सेस चल रहे हैं और आप अपनी तैयारी और बेहतर बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो भी राजा बने या जो भी टाइम पीरियड था, उसे हम कहते हैं उत्तर मुगल काल। तो औरंगजेब तक के तो राजा जो भी थे वो काफी योग्य थे, जैसे कि शाहजहां, अकबर, बाबर, हुमायूं। तो इन्होंने ही शासन काल को बहुत अच्छे से संभाला। लेकिन औरंगजेब के बाद जो भी राजा आए वो बहुत लंबे समय तक शासन को अच्छे तरीके से संभाल नहीं पाए। और इसी समय अंग्रेजों का भी आगमन भारत में हो गया था। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके तीन पुत्र मुअज्जम, मोहम्मद आजम, मोहम्मद कामबख्श, इन तीनों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, जिसमें मुअज्जम की विजय हुई और मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से बादशाह बना। मुअज्जम ने 1707 से 1712 ईस्वी तक शासन किया। ये एक योग्य विद्वान व्यक्ति था। इसने सहयोग की नीति अपनाई। इसकी शासकीय कार्यों में बहुत ज्यादा रुचि नहीं थी, इसीलिए इसे शाहे बेखबर भी कहा जाता है। इसके बाद अगला राजा बना जहादर शाह। जहादर शाह ने मराठों को दक्कन में यानी दक्षिण भाग में सरदेशमुखी और चौथ दो कर सरदेशमुखी और चौथ वसूलने का अधिकार दे दिया था। ये सरदेशमुखी और चौथ क्या होते हैं, ये जब हम मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से बताया जाएगा। ये टैक्स होते थे दो, जो मराठाओं द्वारा लिए जाते थे। तो जहादर शाह ने दक्षिण में सरदेशमुखी और चौथ जो कर है वो मराठों को वसूलने का अधिकार दे दिया। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जहादर शाह ने राजा आमेर के राजा थे राजा जय सिंह, उन्हें इसने मिर्जा राजा सवाई जय सिंह की उपाधि दी थी। मिर्जा राजा सवाई जय सिंह की उपाधि दी थी। तो प्रश्न पूछा जाता है कि आमेर के राजा जय सिंह को किसने मिर्जा राजा सवाई जय सिंह की उपाधि दी थी, तो वो दी थी आपके जहादर शाह ने। जहादर शाह के कार्यों के कारण इसे लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। उसके बाद अगला राजा बना आपका फर्रुखशियर। फर्रुखशियर जो है वो जहादर शाह का भाई था। तो फर्रुखशियर की बादशाह बनने में मदद करी सैयद बंधुओं ने। सैयद बंधुओं ने, ये जो सैयद बंधु है ये थे आपके अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। अब्दुल्ला खां और हुसैन अली, तो इन दोनों भाइयों की मदद से फर्रुखशियर बादशाह बना। और इसने एक प्रश्न पूछा जाता है कि कंपनी का मैग्ना कार्टा किसने दिया या किससे संबंधित है, तो 1717 में इसने अंग्रेजों को व्यापारिक छूट प्रदान करी थी। अंग्रेज जो थे वो जहांगीर के दरबार में भी आए थे, लेकिन उन्हें शुरुआत में व्यापार से रिलेटेड वो चाहते थे कि उन्हें कुछ रिलैक्सेशन दिया जाए, तो वो नहीं मिला। फिर धीरे धीरे करके जहांगीर ने दे दिया था। तो अंग्रेजों ने व्यापार उस समय शुरू कर दिया था, 1600 में भारत आ गए थे। तो 1717 में फर्रुखशियर ने क्या किया कि अंग्रेजों को व्यापारिक छूट प्रदान करी, और इससे संबंधित जो फरमान निकाला फर्रुखशियर ने उसे कहते हैं कंपनी का मैग्ना कार्टा। तो याद रखना, कंपनी का मैग्ना कार्टा किसने दिया था, फर्रुखशियर ने, और कौन सी ईस्वी में, 1717 ईस्वी में। और इसमें क्या था, अंग्रेजों को व्यापारिक छूट प्रदान करी थी। फर्रुखशियर का एक और उपनाम है, इसे बोला जाता है घृणित कायर। फर्रुखशियर जो है वो राजा बना था सैयद बंधुओं की मदद से, और इसने जब देखा कि सैयद बंधुओं की शक्ति बहुत बढ़ रही है तो इसने उनको दबाने का प्रयास किया। लेकिन फर्रुखशियर उनका दमन कर पाता इससे पहले ही सैयद बंधुओं ने फर्रुखशियर को गद्दी से हटा दिया। और अगला राजा बना आपका रफीउद्दराज और रफीउद्दौला। हालांकि ये दोनों ही बहुत कुछ दो तीन महीनों के लिए राजा बने, रफीउद्दराज और रफीउद्दौला, और उसके बाद इनकी बीमारी के कारण दोनों की मृत्यु हो गई। तो अगला राजा बना आपका मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह का पूरा नाम मोहम्मद शाह रंगीला भी बोलते थे। रंगीला इसलिए क्योंकि ये अपना ज्यादा समय हरम में बिताया करता था। हरम यानी कि जहां सारी रानियां रहा करती थी उसे बोलते थे हरम। तो ये अपना सारा जो समय है वो ज्यादा हरम में बिताता था, अत्यंत विलासी प्रवृत्ति का था। इसके समय फारस के शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। इतनी भयंकर लूटपाट करी नादिर शाह ने, और मोहम्मद शाह रंगीला, इसको तो कोई मतलब ही नहीं था क्योंकि ना तो वो इतना योग्य था कि इसका सामना कर पाता। और जो नादिर शाह है वो 50 दिनों तक भारत को लूटता रहा और अपने साथ कोहिनूर, तख्ते ताऊस सब ले गया अपने साथ। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि तख्ते ताऊस पर बैठने वाला आखिरी मुगल शासक कौन था, तो तख्ते ताऊस पर बैठने वाला आखिरी मुगल शासक भी कौन था आपका, मोहम्मद शाह रंगीला था। मोहम्मद शाह रंगीला जो है इसने जजिया कर, एक अच्छा काम किया इसने कि जो जजिया कर है उसे हमेशा के लिए समाप्त कर दिया, ठीक है। और जजिया कर लगाया किसने था, मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले।
किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। और हमेशा के लिए किसने समाप्त कर दिया? मोहम्मद शाह रंगीला ने। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अगला राजा बना आपका अहमद शाह बहादुर। अहमद शाह बहादुर जिसका कार्यकाल 1748 से 1754 तक रहा। उसके बाद ये जो अहमद शाह बहादुर है, इसके समय आक्रमण हुआ था अहमद शाह अब्दाली का। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था इसके समय, और अहमद शाह अब्दाली लुटेरा ही था। इसने अहमद शाह बहादुर के समय सबसे ज्यादा बार आक्रमण किया। और आगे चलकर अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच भी एक युद्ध हुआ, जिसे हम पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में जानते हैं, जो जब हम मराठा पढ़ेंगे तो तब उसके बारे में जानेंगे। फिर अगला राजा बना आलमगीर द्वितीय। इससे संबंधित प्रश्न ये है कि इसने बक्सर के युद्ध में भाग लिया था, ठीक है। बक्सर के युद्ध में भाग लिया। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में, ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था। तो उसमें शाह आलम द्वितीय ने भी भाग लिया था। तो ये जो बक्सर का युद्ध है, कब हुआ, कैसे हुआ, इसमें कौन कौन थे, तो ये सब जब हम अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे तो तब पढ़ेंगे, अगली वीडियो में मतलब। फिर अगला राजा बना आपका अकबर द्वितीय। ये अंग्रेजों के संरक्षण से बनने वाला प्रथम बादशाह था। अगर आपसे प्रश्न आता है कि अंग्रेजों के संरक्षण से बनने वाला पहला बादशाह कौन था, तो वो था आपका अकबर द्वितीय, ठीक है। इससे संबंधित एक और प्रश्न पूछा जाता है कि राम मोहन राय जो कि समाज सुधारक थे, इन्हें राजा की उपाधि किसने दी? तो इन्हें राजा की उपाधि दी अकबर द्वितीय ने, और इनका नाम क्या हो गया? राजा राम मोहन राय। अकबर द्वितीय के समय जो आपका मुगल शासन था ना, जो उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक, काफी बड़े, पूरे लगभग पूरे भारत में फैला था, वो सिमट गया। अब ये सिमट कितना गया? लाल किले तक। अब ये कहाँ का राजा था? केवल लाल किले तक, बाकी अंग्रेज आ चुके थे। फिर आखिरी राजा बना आपका बहादुर शाह द्वितीय। मुगल वंश का अंतिम शासक था बहादुर शाह द्वितीय, और ये जफर नाम से कविताएं भी लिखा करता था। और इसने 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसका नेतृत्व किया। और जब ये स्वतंत्रता संग्राम, अंग्रेजों ने इसका दमन किया, तो उस दमन के बाद बहादुर शाह द्वितीय को रंगून भेज दिया गया, निर्वासित कर दिया गया, इसे देश से निकाल दिया गया और इसे रंगून भेज दिया गया वहीं, और इनको पेंशन दे दी गई, और रंगून में ही इनकी फिर मृत्यु हो गई, और इस प्रकार मुगल शासन का अंत हुआ। अब ये जो बहादुर शाह द्वितीय थे, ये जफर नाम से कविताएं भी लिखा करते थे। तो इनकी एक प्रसिद्ध कविताएं, मतलब शायरी, शायरी लिखा करते थे, शेर लिखा करते थे, तो बड़े प्यारे प्यारे शेर लिखा करते थे। इनका एक शेर मुझे याद आ रहा है, तो वो शेर था, दौलत दुनिया नहीं जाने की हरगिज तेरे साथ, दौलत दुनिया नहीं जाने की हरगिज तेरे साथ, बात तेरे सब यही एक बेखबर रह जाएगी, बट जाएगी। तो ये इनकी एक बड़ी प्रसिद्ध कविता थी। तो बहादुर शाह द्वितीय के साथ ही मुगल वंश का अंत हुआ। और एक और महत्वपूर्ण बात, आपने गालिब का नाम सुना होगा, गालिब भी मतलब उनके शेर तो बहुत फेमस है। तो गालिब इनके दरबारी कवि थे, तो ध्यान रखिएगा गालिब किसके दरबारी कवि थे? बहादुर शाह द्वितीय के। और एक किस नाम से कविताएं लिखा करते थे? जफर नाम से कविताएं लिखा करते थे। और इन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था, और उसके बाद इन्हें अंग्रेजों द्वारा रंगून भेज दिया गया और पेंशन दे दी गई, और मुगल साम्राज्य पूरी तरीके से समाप्त हो गया। अगली वीडियो में हम बात करेंगे मराठा साम्राज्य के बारे में और पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।